गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले हम लोगों ने नो योर बॉडी पार्ट जाना था, ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गेन, इंटरनल ऑर्गेन, ठीक है, और बोन्स एंड मसल्स, यानी कि ये पूरा चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो गया था। तो आज हम इसका रिकैप बताएंगे। आज हम इसका क्या बताएंगे, रिकैप यानी कि जो इसका पूरा जो चैप्टर पढ़े हो उसका पूरा सार एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ रिकैप, आर ई सी ए पी, रिकैप। नंबर वन में देखो, आवर बॉडी, आवर बॉडी इज लाइक ए आवर बॉडी इज लाइक ए मशीन। हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, एक मशीन की तरह है। मशीन की तरह कैसे है जी? तो मेरा जो बॉडी पार्ट है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क करता है, काम करता है, यानी कि मशीन की तरह काम करता है, ठीक है। जो स्टोमक में है तुम्हारा, डाइजेस्ट होता है फूड, वो तुम्हारा है। हाथ है, पैर है, ठीक है ना, यानी कि इंटरनल से लेकर और एक्सटर्नल तक पूरा बॉडी पार्ट एक ये जो है एक मशीन की तरह कार्य करता है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं आवर बॉडी इज लाइक ए मशीन। आवर बॉडी इज लाइक ए मशीन, मेरा शरीर जो है वो एक मशीन की तरह है, ठीक है। ओके, नंबर टू, द दूसरा जो देख रहे हो नंबर टू, द ऑर्गेन्स दैट वी कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गेन। द ऑर्गेन्स दैट वी कैन सी, यानी कि जो ऑर्गेन्स को हम देख पाते हैं, जैसे हम इसको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, लेग्स देख रहे हैं, सब कुछ, तो जो हमें दिखता है वो हम बोलते हैं उसको एक्सटर्नल ऑर्गेन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गेन। एक्सटर्नल का स्पेलिंग देखो, ई एक्स टी ई आर एन एल, ई एक्स टी ई आर एन एल, एक्सटर्नल ऑर्गेन्स, ठीक है। तो जो बॉडी पार्ट हमको दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गेन्स। नंबर थ्री, ठीक है। यहां नंबर थ्री है, देखो, द ऑर्गेन दैट वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गेन, यानी कि जो ऑर्गेन्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे वो तुम्हारा ब्रेन हुआ, स्टमक हुआ, लीवर हुआ, किडनी हुआ, ये सब इंटरनल है, यानी कि बॉडी के अंदर है। तो ये इस ऐसे बॉडी पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल ऑर्गेन। क्या बोलेंगे? इंटरनल ऑर्गेन। इंटरनल का स्पेलिंग आई एन टी ई आर एन एल, इंटरनल ऑर्गेन। किसको बोलेंगे? कि जो ऑर्गेन्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेन हमें दिखाई नहीं देते हैं उसको हम इंटरनल ऑर्गेन
बोलते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेन हमें दिखाई देते हैं उसको हम एक्सटर्नल ऑर्गेन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल यानी कि जो होता है बाहर, जिसको बोलते हैं बाहरी भाग, ठीक है। इंटरनल यानी कि आंतरिक, इंटरनल का मतलब क्या हुआ, आंतरिक भाग जो शरीर के अंदर है, ठीक है। और एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, इसको समझ लेना सब कोई अच्छा से, इसको लिख भी लेना। नंबर फोर, वी हैव फाइव सेंस ऑर्गेन। कौन कौन सा है? वी हैव फाइव सेंस ऑर्गेन्स, आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन। 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि कौन कौन सा फाइव सेंस ऑर्गेन है तुम्हारा? तो आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन, ये तुम्हारा फाइव सेंस ऑर्गेन हो गया, ठीक है। नंबर फाइव, बोन्स एंड मसल्स, बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर। बोन्स एंड मसल जो है तुम्हारा वो एक साथ काम करता है, यानी कि बोन्स में मसल, बिना वो जो मसल्स नहीं है हम उसको मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोन्स एंड मसल्स जो काम करते हैं एक साथ काम करते हैं, ठीक है। इसको लिख लेना सब कोई। अभी मैं यहां कुछ ऑर्गेन्स दे रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेन्स का नाम तुम लोग को लिखने के दे रहे हैं, उसको लिखोगे, ठीक है। नेम, द ऑर्गेन, दैट हेल्प अस टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। नेम द ऑर्गेन्स दैट हेल्प अस टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी कि नीचे दिया हुआ, फॉलोइंग मतलब होता है नीचे दिया हुआ, तो नीचे तो कुछ एक्टिविटी दिया जा रहा है, उसमें तुमको वो नाम लिखना है कि वो कौन सा बॉडी ऑर्गेन है, ठीक है। यहां कुछ एक्टिविटी दिया जा रहा है, उसको तुमको ये करना है, यानी कि उसको फाइंड आउट करो कि ये कौन सा बॉडी पार्ट से हम कर सकते हैं। समझ में आ गया? यहां कुछ हम दे रहे हैं उसको लिखो। नंबर वन, स्टैंड, स्टैंड स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट। यहां बॉडी जो ऑर्गेन है उसका नाम लिखना है। स्टैंड यानी कि खड़ा होते हैं, किससे खड़ा होते हैं, कौन सा बॉडी पार्ट से, तो यहां लिख देना, यानी कि हम लेग से खड़ा, ये मेरा हेल्प करता है, तो यहां लेग्स हो जाएगा, ओके। नंबर टू, गिव शेप टू द बॉडी,
बॉडी। नंबर थ्री, टू हियर हियर द बेल रिंगिंग रिंगिंग। नंबर फोर, अभी लिख दे रहे हैं उसके बाद समझा रहे, ब्रेक ब्रेक फूड फूड इनटू टू टीनी पीसेस टीनी पीसेस पी आई ई सी ई एस। नंबर फाइव, टू रिमेंबर ई एन ई एन टू रिमेंबर टेलीफोन ठीक है। इसको देखो अच्छा से, स्टैंड स्ट्रेट यानी कि हम क्या चीज से ये करते हैं, किसी कौन मदद करता है, लेग्स कीप शेप टू द बॉडी, हमारे बॉडी को शेप कौन देता है, ठीक है। टू हियर द बेल रिंगिंग यानी कि जो घंटी का आवाज है हमको किस ऑर्गेन से सुनाई देता है, ठीक है। ब्रेक फूड इनटू टीनी पीसेस, हमारे भोजन को टुकड़ों में करता है, वो क्या है, स्टोमक भी लिख सकते हो क्योंकि उसके बारे में अभी तुमको जानकारी नहीं है, अभी पढ़े भी नहीं हो, ठीक है। ब्रेक फूड इन टीनी पीसेज यानी कि भोजन को टुकड़ों में करके डाइजेस्ट करता है, ठीक है। टू रिमेंबर टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर तुमको कौन याद करता है, तो ब्रेन हो गया, तो इसका ब्रेन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तुम लोग कर लेना, आज बस इतना ही, कल फिर इसका क्वेश्चन आंसर देंगे।